हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इन दिस क्वेश्चन 12.8 हमसे पूछा है जो पेयर ऑफ एसिड्स हमको दे रखे हैं, टोटल फोर पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. ओके, तो इन चारों पार्ट्स में हमारे पास में पेयर ऑफ एसिड्स दे रखे हैं और इन पेयर ऑफ एसिड्स में से हमें कंपेयर करना है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड. ओके, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास में दो एसिड्स हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो पेयर ऑफ एसिड्स हैं CH3CO2H एंड CH2FCO2H. ओके, अगर हम इसको एक्सपांड कर दें CO2H को, तो ये आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड है. और यहाँ पर अगर हम देखें तो CH2 और इसके साथ में फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, देन COOH. अब देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप एसिडिक नेचर को कंपेयर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिटी. ओके, या एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास में CH3COOH एंड CH2FCOOH, तो जो सेकेंड वाला कंपाउंड है मतलब CH2FCOOH, इसमें यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है, ओके, ये फ्लोरीन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ओके, ये माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट जो पेयर ऑफ एसिड्स हैं इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, CH2FCOOH. चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. सो दोस्तों, सेकेंड पार्ट आपका ये रहे पेयर ऑफ एसिड्स CH2FCO2H एंड CH2ClCO2H. तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अगेन. दोस्तों, सेकेंड पार्ट में ये है हमारे पास में पेयर ऑफ एसिड्स CH2FCO2H ओके एंड CH2ClCO2H. थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सपांड करके लिखें तो CH2 फ्लोरीन, ये हमारा फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर है COOH, एंड ये जो सेकेंड एसिड है CH2, इसमें लगा हुआ है क्लोरीन, और ये रहा COOH. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही क्या है, दोनों ही कंपाउंड्स में, दोनों ही एसिड्स में हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ओके, फर्स्ट कंपाउंड में फ्लोरीन है, सेकेंड में क्लोरीन है. ओके, दोनों के माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर काउंट होगा, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक नेचर. ओके, एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा है फ्लोरीन का, सो यहाँ पर एसिडिक नेचर जो होगा ओवरऑल कंपाउंड का वो ज़्यादा होगा जिसमें फ्लोरीन है, एज कम्पेयर टू एसिड जिसमें क्लोरीन है. तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं थर्ड पार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो पेयर ऑफ एसिड्स हैं वो रहे ये, चलिए अब इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो दोस्तों, ये रहे पेयर ऑफ एसिड्स CH2 F, देन आपका CH2, देन आपका CH2, देन आपका लिखा है CO2H. CO2H का मतलब COH. ओके, देन सेकेंड एसिड कौन सा है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं. तो देखिए, ये है CH3, देन CH के साथ में लगा हुआ है फ्लोरीन. ओके, एंड CH2COOH. ओके, अब देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये देख सकते हो आप, फ्लोरीन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट फ्लोरीन ज़्यादा नियर कहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही फ्लोरीन है और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर पास में मतलब COOH, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा एसिड है वो H रिलीज कर रहा है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, COH से, तो इस COH ग्रुप के नियर फ्लोरीन कौन से एसिड में लगा हुआ है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं
ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये जो आपका एसिड है, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा नियर है, नियर टू सी ओ एच ग्रुप, तो ये एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा होगा. ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो दोस्तों फोर्थ पार्ट में हमारे पास में जो पेयर ऑफ एसिड्स हैं वो रहे ये. तो चलिए इनका हम एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं. तो दोस्तों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हमारे दोनों पेयर ऑफ एसिड्स का. ओके तो ये रहा आपका सी ओ एच एंड यहाँ पर लगा हुआ है सी एफ पी. ओके और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकेंड एसिड कौन सा है, तो ये है सी ओ एच और यहाँ पर लगा हुआ है सी एच थ्री. ओके सी एच थ्री. अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये जो पोर्शन है हमारा ऊपर वाला, ये पोर्शन आप देख सकते हो दोनों में ही क्या है, कॉमन है. ओके अब डिफरेंस आता है यहाँ पर सी एफ थ्री ग्रुप है और यहाँ पर सी एच थ्री है. ओके तो ये जो सी एफ थ्री ग्रुप है ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके तो ड्यू टू नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सी एफ थ्री. ओके वहीं पर अगर मैं सेकेंड एसिड में देखूं तो सेकेंड एसिड में मेरे पास में कौन सा ग्रुप है, तो वो है सी एच थ्री ग्रुप. ओके और सी एच थ्री ग्रुप पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है. ओके पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ओके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये पैरा पोजिशन पर है. ओके तो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर किसी एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन रिंग में हमको कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर को कम कर देगा. तो अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट एसिड है हमारा ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.